नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशो। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ये ऐलान किया है। तो ये एक ऐसी खबर जिससे कहीं ना कहीं उन आंदोलनकारियों के, उन लोगों के चेहरे जरूर खिल उठे होंगे जो लगातार गैरसैंण पर कोई फैसला चाहते थे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिस पर राजनीति जमकर हुई लेकिन कोई भी सरकार कोई ठोस कदम गैरसैंण को लेकर उठा नहीं पाई। लेकिन इस बार भाजपा सरकार में ये हुआ है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये बजट सत्र वाकई में काफी खास रहा, क्योंकि इसमें बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। और बड़ा ऐलान ये है कि गैरसैंण, जिसे लगातार राजधानी बनाने की मांग उत्तराखंड वासियों की तरफ से की जा रही थी, वो गैरसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा। इसका ऐलान खुद सदन के भीतर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ऐलान किया है। आपको बता दें कि लगातार गैरसैंण को लेकर राजधानी हो, लगातार सियासत होती हुई नजर आई है, क्योंकि गैरसैंण को राजधानी बनाने का एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह यूज किया है। और उत्तराखंड के लोग, खासकर जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, वो लगातार ये मांग करते आए हैं तमाम सरकारों से कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया जाए, कम से कम ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया जाए। और अब भाजपा सरकार में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला ये है कि गैरसैंण को अब ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर घोषणा कर दी गई है, यानी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा फैसला यूपी सरकार का। तो ये जो फैसला सरकार ने लिया है, एक बड़ा फैसला है, और इसके मायने ये हैं कि दो राजधानी अब उत्तराखंड की होंगी। एक ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों में गैरसैंण जो है वो राजधानी होगी उत्तराखंड की, और सर्दियों के समय में यानी विंटर्स में देहरादून ही उत्तराखंड की राजधानी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, और सदन के भीतर खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका ऐलान किया है। तो लंबे समय से गैरसैंण पर मांग चली आ रही है, और इस बार भाजपा सरकार में संभव हो सका है ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर अब गैरसैंण की घोषणा कर दी गई है। खुद सीएम ने सदन के भीतर इसका ऐलान किया है। तो बड़ी खबर, बजट सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण को बनाया जाएगा। गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा जिसे लगातार जीवित रखा गया, लगातार इस पर लंबे समय तक सियासत होती रही, क्योंकि मांग थी कि पहाड़ की समस्या समझने के लिए तमाम जो सियासतदान हैं, तमाम जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गैरसैंण में रहें और समझें कि वहां पर क्या समस्याएं होती हैं। और यही वजह है कि गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से थी, और अब ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर गैरसैंण की घोषणा हो चुकी है। बजट सत्र में उत्तराखंड की सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। हमारा मानना है कि इस रूप में कि आधी लड़ाई अभी हमने जीती है और आधी अभी बाकी है, उस रूप में इसका स्वागत करते हैं। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और जब तक उत्तराखंड की स्थायी और पूर्णकालिक राजधानी गैरसैंण नहीं बन जाती, हम लोग डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 53,526 करोड़ का बजट पेश किया, साथ ही सरकार ने 49 करोड़ का सरप्लस बजट भी रखा है।
तो सदन में आज बजट पेश हो गया है। 53,526 करोड़ का बजट आज सदन में रखा गया है। बतौर वित्त मंत्री पहला बजट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सदन में पेश किया, जिसकी मुख्य बात ये रही कि कुंभ के लिए 1250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पलायन रोकने पर भी फोकस किया गया है। 15 करोड़ का प्रावधान पलायन रोकने के लिए किया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी 8 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो बजट में किया गया है। तो ये मुख्य बातें जो हैं वो बजट की रही हैं। खेलों को भी बढ़ावा देने की कोशिश बजट से की गई है। इसके साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। पर्यटन विभाग के लिए 285 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं होम स्टे योजना के लिए 11.50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए 619 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा के लिए 7,867 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर रुड़की रेल लाइन के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन के लिए 414 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मनरेगा के लिए 266 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुद्रा योजना के लिए 2019 करोड़ रुपए दिए गए हैं। PMGSY के लिए 1,072 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो ये मुख्य बात रही है बजट की। खासतौर पर पलायन किस तरीके से रुके ये फोकस सरकार का रहा है इस बजट में। सदन में आज बजट पेश किया गया और कुंभ के लिए 1205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पलायन रोकने के लिए भी 15 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो बजट पेश होने के बाद स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बजट पेश हुआ है, इसमें रोजगार को भी ध्यान दिया गया है, पलायन को रोकने का प्रयास किया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं को भी ध्यान में रखा गया है। जिसमें हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज में एक बहुत मोटी धनराशि दी गई है, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। बजट आया हुआ बहुत अच्छी बात है कि एक ठीक ठाक बजट ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि सरकारों की भी समस्या ये है कि उनके पास पैसा ही नहीं है। नहीं तो हमारा राज्य जिस तरीके से जिस सोच के साथ बनाया गया था उस हिसाब से पर्यटन के संसाधनों का हमें भरपूर पर्यटन था, हमारे पास पर्यटन का हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए था। और अजीत राठी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, ये जो बजट पेश किया गया है जिसमें पलायन को लेकर भी प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ कुंभ को लेकर भी फोकस किया गया है, किस तरीके से इस बजट को देखा जाए, ओवरऑल किस तरीके से समझा जाए? अजीत, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अजीत तक हमारी जो बात है वो नहीं पहुंच पा रही, हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बजट उत्तराखंड में आज पेश हो चुका है। बतौर वित्त मंत्री पहला बजट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना पेश किया है। और एक बार फिर से हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजीत, इस बजट को अगर देखा जाए तो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, ओवरऑल अगर समझें तो कैसा रहा उत्तराखंड का ये बजट? जी देखिए, बजट तो सभी को उन्होंने लुभाने की कोशिश की है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है, किसान हो, व्यापारी हो, तमाम नए इनोवेशन भी किए हैं, मुख्यमंत्री की तमाम नई योजनाएं चली हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण फैसला यह है कि आज सरकार ने वैसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और महत्वपूर्ण फैसला है, जिसके इंतजार में यहाँ करीब 2 दशक से लोग बैठे हुए थे। तमाम मुख्यमंत्री आए गए लेकिन किसी ने भी इस चीज को पूरा नहीं किया। ये एक सबसे बड़ा फैसला है और बहुत ही महत्वाकांक्षी फैसला है, और गैरसैण को आज ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन में अचानक ही इस बात की घोषणा की, उससे पहले उन्होंने अपने किसी साथी से इस बात की चर्चा भी नहीं की। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया कि मैं सदन में गया और मैंने अपने एक मंत्री से थोड़ी सी हल्की चर्चा की थी, एकदम मैंने अब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण को बनाए जाने की घोषणा कर दी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण को बनाए जाने का एक बहुत बड़ा महत्व है,
क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के गठन के लिए जो आंदोलन चला था उसकी भावनाओं का केंद्र, उसकी संवेदनाओं का केंद्र है। और तमाम जब से राज्य का गठन हुआ है तब से गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग होती रही है, तो इसीलिए अब इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ी और एक बहुत लंबी लकीर खींच दी है। और गैरसैंण को समर कैपिटल के रूप में किस तरह से विकसित किया जाएगा ये एक पूरा एजेंडा अलग से तैयार होगा, और क्या इसका कंसेप्ट होगा, क्या किस तरह से यहाँ सरकार रन करेगी, कितने दिन करेगी, तो ये एक अलग से एक एजेंडा उनका क्लियर होगा, कंसेप्ट बाद में आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं गैरसैंण में चल रहे सत्र के दौरान विपक्ष ने महाकुंभ की अधूरी तैयारियों का मसला उठाया। विपक्ष के विधायक काजी निजामुद्दीन ने हरिद्वार में कूड़े निस्तारण को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एनजीटी के मानकों के अनुसार सरकार कूड़े का निस्तारण कैसे करेगी। वहीं विपक्ष के सवालों के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कुंभ के दौरान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। इलाके का जो कूड़ा है उसमें इतनी कंबस्शन उसमें नहीं है कि उससे गैस बन सके। ये यूरोप नहीं है, यूरोप का कूड़ा अलग है, हमारा कूड़ा अलग है, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। हमारे यहाँ के कूड़े की कंबस्टेबल वैल्यू इतनी नहीं है कि उससे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। जो ये कर रहे हैं, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि आप परियों की कहानी हमें मत सुनाइए, फेयरी टेल्स हैं। लोगों का केवल प्रयास ही नहीं, संकल्प है कि जो कुंभ में 10 करोड़ 15 करोड़ लोग आए उनका जितना सॉलिड वेस्ट होगा उस वेस्ट को हम एनजीटी के मानक अनुसार न केवल उसको निस्तारित करें अपितु हमने 2-3 योजना बनाई है, उन योजनाओं पर हम काम करते हुए और उसको एनजीटी के मानक के अनुसार काम करेंगे। वहीं हरिद्वार के कनखल इलाके में व्यापारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इनके बीच जमकर हाथापाई हुई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की टीम क्षेत्र में अवैध कब्जे को लेकर सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन टीम के पहुंचते ही व्यापारियों के दो गुटों में आपस में कहासुनी होने लगी। मामला इतना बढ़ा कि इनके बीच जमकर लात घूंसे चले। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह से मसले को शांत कराया। हम अभी इसे दिखा रहे हैं और जो ही अगर दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के द्वारा तहरीर दी जाती है तो हम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान में शांति बनी हुई, निश्चित रूप से किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं है, और अगर किसी के द्वारा इस तरह की चीज़ की जाएगी जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है तो ऐसी में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण में विरोध में कोटद्वार में जनरल ओबीसी कर्मचारी 3 दिन से कार्य बहिष्कार पर हैं। सरकार ने नो वर्क नो पे का फरमान जारी किया है, जिसके बाद ज्यादातर कर्मचारी काम पर लौट गए हैं, जिससे प्रदर्शनकारी का संगठन दो धड़ों में बट गया है। इसी को लेकर कर्मचारियों के दोनों गुटों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। जनरल ओबीसी की हड़ताल को लेकर के ये हड़ताल कर रहे हैं और उसमें जो है हमको जबरदस्ती बाध्य कर रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है कि हम पर जब तक महासंघ का जो है लिखित नहीं आएगा हाईकमान से तब तक हम हड़ताल में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास भी प्रूफ चाहिए। और जब तक अगर इनको ऐसा ही है तो ये हाईकमान से लेटर भिजवाएं। हल्द्वानी में सर्किल रेट के विरोध में लोग धरने पर हैं। गुस्साए लोगों ने कुंभकर्ण का पुतला बनाकर विरोध जताया। दरअसल सर्किल रेट के खिलाफ क्षेत्रीय संघर्ष समिति लोग धरने पर हैं। इनकी मांग है कि बढ़ाए गए सर्किल रेट को फौरन ही वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है उत्तराखंड में। सर्किल रेट के विरोध मैं हम बैठे हैं और आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि जहाँ तक सर्किल रेट की बात है, सर्किल रेट से महंगाई चरम पर, चाहे वो नक्शा की हो, असंगठित क्षेत्र का रोजगार खत्म हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि 35 दिन होने के बाद भी सरकार हमारी सुनने को राजी नहीं। आज कुंभकर्ण हमने एक प्रतीक के रूप में तैयार किया और कुंभकर्ण को हम जगाने का प्रयास कर और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। डीजी हेल्थ ने सभी जिलों के सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान सभी जिलों में मास्क और दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, साथ ही स्कूलों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई।
और उत्तराखंड में इन दिनों होली की खुमारी छाई हुई है, कहीं बैठकी होली तो कहीं पर खड़ी होली का आयोजन किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लोगों पर होली की खुमारी छा चुकी है। रामनगर में ये महिलाएं पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर होली मना रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने स्वांग रचकर होली सेलिब्रेट की। सारी बहनों को एकत्रित करके कम से कम 50-100 की टोलियां बना करके हम हर घर में होली करेंगे। जिसके भी गिले शिकवे थोड़ा सा भी किसी पे हम उसको नहीं होने देंगे और एकजुट होकर इस होली के त्यौहार का रंग खूब मौज मस्ती के साथ लगाएंगे। कुमाऊं इलाके में होली की रौनक काफी पहले नजर आने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है होली की मस्ती और बढ़ रही है। उधर बागेश्वर में भी होली की खुमारी छाई है। होलियारों की ये टोली होली के गीत गा रही है। होलियारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जिसने माहौल को रंगीन बना दिया है। ये लोग पारंपरिक गीत गाकर पहाड़ की संस्कृति के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आखिरकार ये पहाड़ी प्रदेश दूसरे राज्यों से क्यों अलग है। जाती है एक दो तर्जुमे, लेकिन ये बहुत सारी तर्जुमे होती है। बैठकी होली सारे रागों के होते हैं, धमाल, जयवंती, बिहार, मालपुर, ये सारी धुनें इसमें चलती हैं और प्रहर टू प्रहर चलती हैं। ये होली मुख्य होलियाँ होती हैं। राग काफ़ी, मालपुर, बिहार, जंगला काफ़ी ये हुई इसकी मेन। उधर पिथौरागढ़ में 188 साल से लोग इसी खास अंदाज में होली मनाते आ रहे हैं। इस होली की खास बात यह है कि जब लोग चीर लाने जाते हैं तो इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होते हैं। पेड़ पर कपड़े की कतरने लगाकर चीर बांधी गई। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। पुराना बाजार में अब खड़ी होली की शुरुआत हो गई है। और भी कई गांव से यहां पे आके परिक्रमा करते हैं और वो आयोजन दौला से है। ये आयोजन पूर्णमासी के दिन किया जाता है और उन होलियारों का जो परिक्रमा के लिए आते हैं यहाँ पे स्वागत किया जाता है और उनको भेंट स्वरूप मिष्ठान भी दिया जाता है। उत्तराखंड में होली के कार्यक्रम काफी पहले से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आएगा माहौल और रंगीन होता जाएगा। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक, बागेश्वर से हिमांशु गढ़िया के साथ रामनगर से दिनेश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आके जरूर देखिए राजनीति। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।